पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्लूजन तक बात किया था। सेक्लूजन के बाद हमारे उद्देशिका या प्रियम्बल में जो अगला शब्द प्रयोग किया गया है ये डेमोक्रेसी या लोकतंत्र है। यदि लोकतंत्र को परिभाषित किया जाए तो अब तक लोकतंत्र की सबसे लोकप्रिय परिभाषा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने देने का काम किया था। अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा होती है। इट मीन्स डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ फॉर द पीपल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। वास्तव में आज के दौर में यदि लोकतंत्र को देखा जाए तो लोकतंत्र को दो तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, एक तो सीमित दृष्टिकोण से और दूसरा व्यापक दृष्टिकोण से। सीमित दृष्टिकोण से लोकतंत्र केवल एक शासन की पद्धति है, अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से आज जब हम लोकतंत्र को देखते हैं तो आज लोकतंत्र एक सरकार की पद्धति ही नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। अर्थात आज लोकतंत्र शब्द को जब व्यापक अर्थ में लिया जाता है तो सभी प्रकार के सद्गुणों को सामूहिक तौर पर लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन लोकप्रिय अर्थ में लोकतंत्र को एक एक प्रकार के सरकार के रूप के तौर पर लिया जाता है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना किया, जैसा कि आगे भी हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में समय समय पे तरह तरह के चुनाव होते हैं और लोकतंत्र अन्य शासन पद्धतियों से इस रूप में भिन्न है कि अन्य शासन पद्धतियों में समय समय पर चुनाव नहीं होते हैं। तो लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के पास अधिकार होते हैं कि समय समय पर होने वाले चुनाव में मत देके वो अपने सरकार को परिवर्तित कर सकती है। यही कारण है कि लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से भिन्न भी है और आज वैश्विक स्तर पर प्रमाणित भी हो गया है कि दुनिया में शासन की जितनी भी पद्धतियां हैं उन समस्त पद्धतियों में लोकतंत्र सर्वोत्तम प्रकार की पद्धति है। पुनः लोकतंत्र को दो आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, पहला जनता के भागीदारी के आधार पर और दूसरा कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर। यदि जनता के भागीदारी के आधार पर बात किया जाए तो इस आधार पर लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र मीन्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि जहां जनता सीधे सीधे प्रत्यक्षता भाग लेके निर्णय लेती है, सरकारी कार्यों को संपन्न करती है, उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यदि वर्तमान समय की बात किया जाए तो वर्तमान समय में देशों का आकार इतना अधिक बड़ा है, जनसंख्या इतनी अधिक है और साथ ही साथ मुद्दे भी इतने अधिक जटिल हैं कि सारे निर्णय को जनता प्रत्यक्षता भाग लेके समाधान नहीं कर सकती है। हाँ, जब पुराने दौर में जब यूनान और रोम के सिटी स्टेट हुआ करते थे, यदि ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में छोटे छोटे स्टेट हुआ करते थे जिनको जन कहा जाता था, तो उस समय तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव था, लेकिन आज देशों के आकार, जनसंख्या और कार्यों की जो जटिलता है उसके आधार पे आज दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। हाँ, ये दूसरी चीज है कि कुछ देशों में जैसे स्विट्जरलैंड में छोटे छोटे मुद्दों पे सामान्य जनमत संग्रह होता है, तो जनमत संग्रह थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष लोकतंत्र को रिफ्लेक्ट या प्रतिबिंबित करने का काम करता है। तो वास्तव में जब हम आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का आशय ही है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब अप्रत्यक्ष प्रकार का लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सीधे सरकारी काम में भाग नहीं लेती, जनता सीधे सीधे शासनात्मक कार्यों में भाग नहीं लेती है बल्कि अपने द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। इसलिए इसे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात करते हैं। तो वास्तव में यदि निष्कर्ष के तौर पे कहा जाए तो जब आज के दौर में जब हम लोकतंत्र शब्द को प्रयोग करते हैं तो इसका सीधा सीधा सा आशय अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि
प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र से होता है, जहां सीधे सीधे जनता राजनीतिक कार्यों में भाग न लेके बल्कि अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। तो ये हमने देखा लोकतंत्र की लोकतंत्र का वर्गीकरण जो जनता द्वारा भाग लेने के प्रकृति के आधार पर। दूसरा जो लोकतंत्र का वर्गीकरण है ये नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव के आधार पर, कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर, और कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। पहला पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब संसदीय प्रकार का लोकतंत्र, और दूसरा प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र या राष्ट्रपतित्व प्रकार का लोकतंत्र। तो दोनों को समझने के लिए हम लोगों को दोनों में डिफरेंस करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मतलब संसदीय प्रकार का लोकतंत्र, और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी मतलब अध्यक्षीय प्रकार का लोकतंत्र, दोनों क्या हैं, दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या अंतर है। यदि संसदीय प्रकार के लोकतंत्र की बात किया जाए तो इसकी पहली विशेषता है कि संसदीय प्रकार के लोकतंत्र में कार्यपालिका दोहरे स्वभाव की होती है, एक नामात्र की मतलब नॉमिनल और दूसरी रियल। जैसे भारतीय संदर्भ में बात किया जाए तो भारतीय संदर्भ में जो हमारा प्रेसिडेंट है, आगे के टॉपिक में भी देखेंगे, जो हमारा राष्ट्रपति है वो केवल नामात्र के प्रमुख हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री को लेके जो समूची मंत्रिपरिषद है ये वास्तविक कार्यपालिका के तौर पर काम करती है। इस प्रकार संसदीय प्रकार के लोकतंत्र में दोहरे प्रकार की कार्यपालिका होती है। वहीं दूसरी तरफ यदि अध्यक्षात्मक प्रकार के लोकतंत्र की बात किया जाए तो अध्यक्षात्मक प्रकार के लोकतंत्र में एकल प्रकार की कार्यपालिका होती है, अर्थात जिसमें लिखित रूप में शक्तियां होती हैं, व्यवहारिक रूप से वही इन शक्तियों का उपयोग भी करता है। जैसे अमेरिकी संदर्भ में बात किया जाए तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र है, लिखित तौर पर भी सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में होती हैं और व्यवहारिक तौर पर भी इन शक्तियों का इस्तेमाल राष्ट्रपति करता है। तो ये पहला हमने देखा कि संसदीय प्रकार के लोकतंत्र में दोहरी कार्यपालिका होती है, और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल टाइप डेमोक्रेसी में एकल प्रकार की कार्यपालिका होती है। दूसरा, यदि संसदीय प्रकार के लोकतंत्र की बात किया जाए तो संसदीय प्रकार के लोकतंत्र में हेड ऑफ नेशन, जिसे हिंदी में राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष कहा जाता है, हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिसे शासनाध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में हेड ऑफ नेशन एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष अलग अलग होता है। जैसे हमारे देश में संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है तो इसमें जो हमारे राष्ट्रपति है वो हेड ऑफ नेशन या राष्ट्राध्यक्ष है, और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट या शासनाध्यक्ष है। इसका मतलब है कि संसदीय शासन प्रणाली में हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में एक ही पदधारी हेड ऑफ नेशन भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है तो अमेरिका का राष्ट्रपति वहां का राष्ट्राध्यक्ष भी है और शासनाध्यक्ष भी है। तीसरा जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में अंतर यह है कि पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव के बीच एक इंटीमेट रिलेशन होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। अर्थात आगे के टॉपिक में भी देखेंगे कि कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के सदस्य के तौर पर उसे ही लिया जाता है जो संसद का सदस्य हो। इसका मतलब है कि कार्यपालिका के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं। इस प्रकार इसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। और वही दूसरी तरफ यदि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो उसमें सीधा सीधा विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक सेपरेट रिलेशनशिप दिखाई देता है, मतलब डिवीजन एक दिखाई देता है। अर्थात जैसे
अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहां किसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, बशर्ते कि वो सीनेट या कांग्रेस का मेंबर ना हो। अर्थात भारतीय संदर्भ में बात किया जाए तो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर ना हो तो उसके अलावा किसी व्यक्ति को वहां पे मंत्री बनाया जा सकता है। क्लियर कट है कि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच बिल्कुल सेपरेट रिलेशनशिप पाया जाता है, जबकि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में दोनों के बीच एक इंटीमेट रिलेशनशिप पाया जाता है। अगला जो अंतर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी अधिक है, उत्तरदायित्व की मात्रा काफी अधिक है। अर्थात सरकार का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक कि उसे संसद के निचले सदन अर्थात भारतीय संदर्भ में लोकसभा में बहुमत का समर्थन, जैसे ही लोकसभा में बहुमत का समर्थन समाप्त होता है, जिस क्षण समाप्त होगा उसी क्षण सरकार का भी अंत हो जाता है। अर्थात इसमें उत्तरदायित्व की मात्रा अधिक होती है। वहीं दूसरी तरफ यदि प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया जाए तो इसमें स्थायित्व की मात्रा अधिक होती है। अर्थात एक बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो वैसी स्थिति में हटाने की पद्धति तो है, लेकिन हटाने की पद्धति अपेक्षाकृत काफी जटिल स्वभाव की होती है। तो हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यपालिका के स्वरूप के आधार पर डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को दो भागों में बांटा जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब संसदीय प्रकार का लोकतंत्र और अध्यक्षीय प्रकार का लोकतंत्र, तथा दोनों के बीच हम लोगों ने डिफरेंस को भी देखा और यह भी देखा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम डेमोक्रेसी में मतलब संसदीय प्रकार के लोकतंत्र में रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व की मात्रा तो अधिक है, वहीं दूसरी तरफ स्टेबिलिटी या स्थायित्व की मात्रा कम है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी की मात्रा अधिक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी की मात्रा कम है। तो संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बीच इस बात को लेके काफी डिस्कशन हुआ था, कई दौर की वार्ताएं भी चली कि इस बात को लेके तो कोई संदेह नहीं था कि हमारा संविधान डेमोक्रेसी पर होगा कि नहीं, लेकिन इस बात पे काफी डिस्कस किया गया कि संसदीय शासन प्रकार का लोकतंत्र होगा कि अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र होगा। अंततः हमारे जो संविधान निर्माता थे इन लोगों ने संसदीय प्रकार के लोकतंत्र को प्रेसिडेंशियल लोकतंत्र की अपेक्षा अधिक महत्व दिया, और अंततः आगे के टॉपिक में देखेंगे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश के लिए संसदीय प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया। इसके पीछे दो कारण थे। पहला तो कारण यह था कि लंबे समय तक हम लोग ब्रिटिश शासनकाल के दायरे में रहे थे, इसका परिणाम था कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक हमें अनुभव भी प्राप्त हो गया था, और दूसरी तरफ हमें चयन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व और स्टेबिलिटी में से करना था। तो वैसी स्थिति में हम लोगों ने स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व की अपेक्षा हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी या उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कभी पूछ भी सकता है कि दोनों में से बेहतर कौन है, मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम बेहतर है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम बेहतर है, सवाल भी हो सकता है। तो इसका उत्तर एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही दिया था जब एक लॉ कॉलेज में दीक्षांत समारोह में जब विद्यार्थियों ने उनसे पूछा कि हम लोगों ने जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया तो हम लोगों ने क्यों नहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यही कहा था। और कमोबेश इससे संबंधित बात संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी वही बात कहा था जो राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। उन्होंने यही कहा था कि वास्तव में संविधान केवल एक मशीन है, महत्व इस बात का नहीं है कि संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है कि अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र है, महत्व इस प्रकार का इस बात का है कि उसको संचालित करने वाले लोग कौन है। यदि संचालित करने वाले लोग ईमानदार होंगे मतलब ऑनेस्ट होंगे और जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के काम करेंगे
तो वैसी स्थिति में चाहे संसदीय प्रकार का लोकतंत्र हो या अध्यक्षात्मक प्रकार का लोकतंत्र हो, परिणाम बेहतर होगा। लेकिन यदि इसको संचालित करने वाले लोग यदि ऑनेस्ट नहीं होंगे, जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जाति धर्म क्षेत्र से ऊपर उठ के काम नहीं करेंगे, तो फिर वैसी स्थिति में चाहे कोई भी हम लोकतंत्र अपना लें, उसका उतना महत्व नहीं होगा। इस प्रकार चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम हो या प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वास्तव में उसके संचालित करने वाले लोग कैसे हैं। यदि संचालित करने वाले लोग ईमानदार होंगे, यदि छोटे छोटे विभाजनों अर्थात जाति धर्म से ऊपर उठ के काम करेंगे, तो वैसी स्थिति में लोकतंत्र का कोई भी रूप होगा तो सर्वोत्तम परिणाम।